अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की रेसिपी ऑफ द डे है बिहारी टिक्का कढ़ाई। तो उसके नीचे 1.5 किलो चिकन लिए, इसमें 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और शान टिक्का सीख कबाब मसाला है 1 पैकेट में, इसमें ये मसाला ऐड करूँगी। 1.5 पाव के करीब इसमें दही ऐड करूँगी, 2 से 3 टेबलस्पून सिरका, इसके अलावा 9 से 10 प्याज थी, इसको मैंने स्लाइस कट कर लिया था, स्लाइस कट करके उसको ब्राउन करा था, प्याज ब्राउन करा था, फ्राइड अनियन डाल दी थी और उसको थोड़ा सा ऑयल डाल के 2 से 3 टेबलस्पून जो खाने में चलता है वो ऑयल, और उसके अलावा थोड़ा मसाला मैं अपना भी ऐड करूँगी, उसमें शामिल है नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और पिसा गरम मसाला, ये डालकर मैं इसको अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी हाथ की मदद से, और मिक्स करने के बाद मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी 2-3 घंटे के लिए। चिकन है तो चिकन के लिए 2-3 घंटे की मैरिनेशन इनफ होती है, वन आप चाहें तो ओवर नाइट भी इसको रख सकते हैं मैरिनेट करके। इसको रख दूँगी मैं 2 से 3 घंटे के लिए। जब 2 से 3 घंटे हो जाएंगे तो मैं इसको पकने के नहीं रख दूँगी, और सिर्फ 10 to 15 मिनट्स में ही पक जाएगी और ऑब्वियसली चिकन है ऊपर से मैरिनेटेड, और साथ ही साथ मैं कोयला की भी स्मोक दूँगी, कोयले के स्मोक का फ्लेवर आ जाएगा और बहुत ज़बरदस्ती। अब आपकी बिहारी टिक्का कढ़ाई तैयार है और होपफुली आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना हर किस्मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।